जश्न मनाइए, बधाई आपको, 2 साल आपने पूरे कर लिए, लेकिन प्रदेश की समस्याओं को भी ओमकार जी आपको ध्यान में रखना होगा। 2 साल पूरे होने पर प्रदेश के जो लाखों युवा आपसे रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो आज सवाल पूछ रहे हैं कि भैया सरकार के वादे का क्या हुआ। जनता पूछ रही है कि प्रदेश में हत्या, बलात्कार, लूट, फिरौती के मामले कब रुकेंगे। ओमकार जी, किसान पूछ रहा है कि आपने जो वादे उनसे किए थे, वो वादे आप कब पूरे करेंगे, और आप लोग जश्न मना रहे किस बात का। देखिए साहब, ऐसा है कि यह सवाल झारखंड प्रदेश की गरीब जनता और आम आवाम यह सवाल नहीं पूछ रही है, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं। अब चूंकि उनको नहीं नहीं सर, दिखने का जो चश्मा है ओमकार जी, चश्मा हम लोग ठीक नहीं करा सकते। नहीं, वोट तो आपने जनता से मांगे थे ना, भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी ना आपने वोट मांगा था। जनता से हम लोगों ने वोट मांगा, बिल्कुल जनता ही सवाल पूछ रही सर आपसे। हाँ तो सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, 2 साल का मैं उपलब्धि बता दे रहा हूँ, और सुनना पड़ेगा, इन लोग भी सुने, रात के भी जनता सुने लगातार। हम लोग किसान, मजदूर, नौजवान, सारे लोग को जिंदगी और मौत के बीच से जो 2 साल हम लोगों ने झेलते हुए कम संसाधन में हम लोगों ने बेहतर विकल्प देकर यह सरकार बेहतर और अच्छे तरीका से निर्वहन करने का काम किया है, और राज्य में बेहतर काम भी की है, जिसमें हम लोग पूरे देश में ये पहला झारखंड प्रदेश है जिसमें खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हम लोगों ने दिया। पुरानी सरकार के, पूर्व की सरकार के द्वारा जितने पेचीदगी मामले थे, जैसे जेपीएससी में, जेपीएससी का 6 साल से परीक्षा रुका हुआ था, यह सरकार ने चालू कराया। हम लोगों ने पारा शिक्षकों पे मुस्कान लाया चेहरों पर, जिनको इन लोगों ने लाठी से पिटवाया, पारा शिक्षकों को हमने चेहरा पर मुस्कान लाया, उनका स्थायीकरण किया। हम लोग अभी आपके द्वार सरकार के कार्यक्रम में 30,000 करोड़ का लगभग हम लोगों ने परिसंपत्तियां का वितरण की। इसके अलावा हम लोग जितने भी लगभग हम समझते हैं कि 34 करोड़ आवेदन आया, और उसको हम लोगों ने, सरकार ने ऑन द स्पॉट गांव में जाकर पंचायत में शिविर लगाकर ऑन द स्पॉट उसको डिस्पोजल किया, समस्या का समाधान किया। नहीं तो फिर ये बात है, मॉब लिंचिंग पर हम लोगों ने कानून बनाया, सरना धर्म सर, समस्या ये है ना ओमकार जी, आप लोगों ने वादे तो कर दिए, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया उन वादों को, और इसीलिए तो सवाल पूछ रही है जनता आज कि भैया आपने वादे तो कर दिए थे, लेकिन उनको आप पूरा कब करेंगे। युवा पूछ रहा है, किसान पूछ रहा है, प्रदेश की जनता पूछ रही है। अभी हम लोगों ने नियुक्तियां पर यह सरकार विशेष फोकस बनाई है, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना जो होता है निचले स्तर तक नियुक्ति के मामला में, यह सरकार पूरी तरह से उसके लिए तैयारी कर रही है, सारी नियुक्तियां आ रही है बहुत कम समय में। इसका